नमस्कार एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर वन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे हरप्पन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक पर। ये क्लासिफिकेशन है एंशिएंट इंडिया और हरप्पन। ठीक है, थ्योरी देख लेते हैं। हरप्पन आर्ट एंड कल्चर, अ फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन इमर्ज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस इन द सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम BCE, द स्प्रेड अक्रॉस लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। दिस इज वॉट इज़ नोन एज हरप्पन। ठीक है, जो इंडस रिवर के पास है सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड मिलेनियम BCE में, लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न में, उसे कहते हैं हम हरप्पन में। सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अ मार्क फीचर ऑफ दिस एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज विविड, दैट इज क्लियर। विविड का मतलब होता है क्लियर। क्लियर इमेजिनेशन एंड आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी, एक्सूडेड, एक्सूडेड मतलब होता है विच इज़ फाउंड। ठीक है, उसे कहते हैं एक्सूडेड, फाउंड बाय द न्यूमरस स्कल्पचर, सील, पॉटरीज, ज्वेलरी कम्स अंडर ऑर्नामेंटेशन। ये हम स्कल्पचर में देखेंगे आगे। ठीक है, एटसेट्रा, फाउंड एट द एक्सकवेशन साइट्स हरप्पा एंड मोहनजोदारो, द टू मेजर साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन आर अमंग द अर्लीस्ट और फाइनेस्ट। हरप्पन और मोहनजोदारो, ये टू मेजर साइट्स थी, बहुत सारी थी। ठीक है, ऑलमोस्ट 25 के अराउंड थी, मेजर 19 थी, उसमें से टू ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। और फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन प्लानिंग, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ठीक ठाक थी, तो उस वजह से इनको प्लानिंग भी करनी पड़ी, जो कि आज भी एडमायर करता है, आश्चर्य करता है कि उस समय इन लोगों ने कितनी एडवांसमेंट हासिल कर ली थी अपने आर्किटेक्चर में। द प्लान नेटवर्क ऑफ रोड, रोड कैसे बने, हाउसेज, ड्रेनेज सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिकेट द प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल, इवन द साइंस। क्यों, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होगा तो बीमारियाँ नहीं होंगी। ठीक है, दैट डेवलप ड्यूरिंग दोज टाइम्स। तो ये था इंट्रोडक्शन, अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट साइट्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, इससे पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये हैं अपनी साइट्स, ठीक है, ये करीब 19 साइट्स हैं। हरप्पा है, मोहनजोदारो है, मेहरगढ़ है, मंद है जम्मू कश्मीर में, धोलावीरा, दायमाबाद, लोथल, बालाथल, बनावली, बालू, कालीबंगन, कोट डिजी, केरला नोधोरो, कोट बाला, आलमगीरपुर, चोहनहुदारो, राखीगढ़ी, रोपर, सुरकोतड़ा, सुक्ता गंडौर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है, आपको बताते हैं, कभी कभी एग्जांपल ये भी आता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो आपको दे देंगे इनमें से कोई तीन और एक ये दे देंगे केरला नोधोरो। अब बोलेंगे इसमें से कौन सी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की नहीं है, तो आप सोचोगे यार केरला नोधोरो तो लग नहीं रही है, इसको मार्क कर दोगे। तो ऐसी मिस्टेक्स ना हो इसलिए आप यहाँ पे इसको ओवरव्यू ध्यान रखें, क्योंकि डिटेल्स में ना ये नाम खो से जाते हैं, हम भूल भी जाते हैं, तो इसलिए आपने नोटिस किया होगा मैंने इनको अरेंज कर रखा है इनके अल्फ़ाबेट से, एग्जैक्टली वन टू जेड नहीं, जैसे एच है तो एम है, तो यहाँ पर दो एम, तीन एम सॉरी। ठीक है, धोलावीरा दायमाबाद डी, दो डी आ गए, फिर बी, ताकि माइंड को इजी रहे याद करने को। ठीक है, सिमिलरली ए का एक ही है, सी का भी एक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो एट फर्स्ट, दो तीन रिवीजन तो मिनिमम चाहिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हैं भैया अपनी साइट्स एंड उसके फाइंडिंग्स। ठीक है, तो इसको आप हम देखते हैं हरप्पा में, और इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बहुत वेस्ट होगा। नोट्स अगर तुम बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा तब बनाना, ये सोच कर कि मैं इसको रिवाइज़ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, अदरवाइज़ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को देख लें। ठीक है, टाइम कम है तो उसकी स्पीड बढ़ा लें। ठीक है, 1.75 कर लें, इवन 2 कर लें, तो जल्दी से रिवाइज़ भी हो जाएगा टहलते वक्त, खाना खाते वक्त, जैसे भी हो। ठीक है, चलते हैं तो फाइंडिंग्स पर। पहली साइट है हरप्पा, ठीक है, ये पाकिस्तान में प्रेजेंट डे रवि पर है। ठीक है, टू रो ऑफ सिक्स ग्रेनरी मिली है विद बिग प्लेटफॉर्म, स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनी,
मदर गॉडेस स्कल्पचर मिला है, वीट एंड बार्ले इन वुडन मोर्टार, डाइस कॉपर स्केल मिरर, ठीक है, मोर ओवर स्कल्पचर्स ऑफ डॉग चेजिंग अ डियर इन ब्रॉन्ज मेटल, अ रेड सोन स्टोल मेल टॉर्सो हैव बीन एक्सकवेटेड इन हरप्पा। अब चलते हैं मोहनजोदड़ो में, पाकिस्तान, ठीक है, रिवर इंडस, हरप्पा कहाँ पे थी, रावीपति, ये इंडस पे है। तो ये कीवर्ड्स बस ध्यान रखने हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, एक दो बारी में नहीं याद होंगे, आपको मल्टीपल रिविजन चाहिए होंगे इसके। सीटाडिल ग्रेट बात मिली है, ग्रेट ग्रैंडरी मिली है, जो भी ग्रेट हुआ है ना वो मोहन में हुआ है, एम से मेजर कर लो और फिर ग्रेट बाद ग्रेट ग्रैंडरी, ठीक है। पोस्ट क्रिमेशन बरियल स्कल्पचर ऑफ बियर्डेड प्रीस, दाढ़ी वाले बाबा अपने, द फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू, इसका फोटो आगे देखेंगे दाढ़ी वाले बाबा का और टॉर्सो का, कहाँ पे टॉर्सो, ये रहा रेड सैंड स्टोन मेल टॉर्सो, इसकी फ़ोटो आगे देखेंगे ताकि आपको माइंड में बिल्कुल छप जाए। द फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल, ये भी देखेंगे, एंड पशुपति सील, ये भी देखेंगे। अब आते हैं धोलावीरा में, देखो धोलावीरा को कैसे याद रखो, कपड़े धोते हैं, पानी रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पे सारे पानी से रिलेटेड हैं, ठीक है, जैसे ग्रेट वाटर रिजर्वायर, यूनिक वाटर हार्नेसिंग, ठीक है, स्टेडियम एक एक्सेप्शन है, डैम आ गया, एम्बैकमेंट मतलब डैम ही होता है, ठीक है, जो पानी रोकता है, इंसेप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइन साइज साइन लाइक एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, दोबारा बोलता हूँ, इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज्ड साइन लाइक एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड, इट इज़ द लेटेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, सारे वाटर से, तो क्या धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं किससे, पानी, ठीक है, यूनिक वाटर हार्नेसिंग डैम इम्पैक्ट, ऐसे याद करना है, और कहीं पर भी आपको पानी पुनी रिलेटेड नहीं मिलेगा, लोथल एक डॉकयार्ड है तो वो देखेंगे, वो एक अलग चीज़ है, तो लोथल का नाम लिया, लोथल हाजिर, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं इसको, गुजरात में पाया गया है, ठीक है, गुजरात में पाया गया है, राइट, इम्पॉर्टेंट साइट फॉर नेवल ट्रेड, यहाँ पे शिप्स डॉक की जाती थी, डॉकयार्ड भी कहते हैं इसे। राइस हस्क फायर एल्टर क्या होता है, फायर एल्टर ये होता है, आप इसको यहाँ पे आग जलाते हैं, पिट होता है, गड्ढा सा होता है, उसमें आग जलाते हैं, समझो जहाँ पे हम गड्ढा करके हाथ सेक रहे हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है, तो ये वो है फायर एल्टर। पेंटेड जार भी मिले हैं, मॉडर्न डे चेस, देखो कितना आधुनिक है, और टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्स एंड शिप, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग 45, 90, 80 डिग्री एंगल्स, मैथ्स भी अच्छे आते थे इन लोगों को। प्रैक्टिस ऑफ बरियल ऑफ क्रीमेटेड रिमेन्स, ठीक, राखी गढ़ी पर चलते हैं अब, हरियाणा में है, इस कंसिडर टू बी द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रीनरी सिमेट्री ड्रेन टेराकोटा ब्रिक्स हैव बीन फाउंड हियर, इट इज़ कॉल्ड द प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। रोपर है, लोकेटेड ऑन सतलुज में, पंजाब में, ठीक है, डॉग बरीड मिला है विद ह्यूमन इन ओवल पिट बरियल, कॉपर का एक्स मिला है, तांबे का कुल्हाड़ी। रोपर इज़ द फर्स्ट हरप्पन साइट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947, द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, और पीछे हमने देखा था लेटेस्ट कौन सी है, धोलावीरा इज़ द लेटेस्ट, इंडिपेंडेंस की जस्ट बात थी रोपर, ठीक है। बालाथल और कालीबंगन राजस्थान में, दोनों बेंगल फैक्ट्री से फेमस है, टॉय कार्ट, ठीक है, बोन ऑफ कैमल्स, अब राजस्थान में ऊँट पुष्कर मेला, ठीक है, डेकोरेटेड ब्रिक सीटाडेल, सीटाडेल होता है हाई ग्राउंड, ऐसे पिक्चर देखेंगे, ठीक है, तो जो ऊपर लोग रहते हैं इन्हें कहते हैं सीटाडेल, नीचे कॉमन लोग रहते हैं, ऊपर रहते हैं नोबल रिच पीपल एरिस्टोक्रेट जो रूल करते हैं, ठीक है,
तो और लोअर टाउन फायर एल्टर, ठीक है, वही हवन कुंड, सुरको ताड़ा इन गुजरात, फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द हॉर्स बोन, घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं सुरको ताड़ा में, बनावली हरियाणा में, ऑन द ड्राइड अप सरस्वती रिवर में जो सूख गई है, टॉय राजस्थान में, टॉय यहाँ पे भी था, बारले, ठीक है, बारले ग्रेन, लापिस लजूली ये भी मिला है हमें, फायर अल्टर, ओवल शेप सेटलमेंट, ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स एंड ओवल शेप्ड सेटलमेंट, ये भी मिले हैं हमें, ठीक है। तो चलते हैं आगे, आलमगीरपुर मेरठ में, ठीक है, बैंक ऑफ यमुना, ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेजर फाइंडिंग्स आर ब्रोकन ब्लेड मेड ऑफ कॉपर, सिरामिक आइटम एंड इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ ऑन अ टफ, ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, प्रिकर्सर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, पॉटरी मिली है, कॉपर टूल हैव बिन फाउंड हियर, ठीक है, चनुदारो, लैंकाशायर ऑफ इंडिया, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटाडेल। अब इस ऐसे याद रख लो, सी से चनुदारो और सी से सिटाडेल आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बीड मेकिंग फैक्ट्री यूज ऑफ लिपस्टिक हैव बिन फाउंड, स्कल्पचर में ऑर्नामेंट सेक्शन में हम देखेंगे बीड्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बीड्स, ठीक है। कोट डिजी लोकेटेड इन प्रेजेंट डे, ये भी पाकिस्तान में, टार स्टैचू ऑफ बुल एंड मदर गॉडेस हैव बिन एक्सकवेटेड, सुतका गंडोर वेस्टर्न साइट ऑफ IVC, बेंगल मिले हैं किसके, क्ले के बने हुए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बालू हरियाणा प्लांट्स के रिमेन्स मिले हैं, गार्लिक, ठीक है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, सदर्न मोस्ट साइट ऑफ IVC, ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिले हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज चैरियट हैव बिन डिस्कवर्ड हेयर, केरला नोदोरो राइस गुजरात में है, ये देखो केरला होते हुए भी ये गुजरात में, तो ये है अपना भारत, ठीक है। सॉल्ट प्रोडक्शन सेंटर यहाँ पे मिला है, ठीक है, कोटबाला पाकिस्तान में है, और ये कोटबाला बालाकोट तो नहीं है, चलो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फर्नेस, मंद मंद है अपना जम्मू कश्मीर में, प्यारा भारत का हिस्सा, नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ IVC, कोटबाला, ठीक है, कोटबाला दोबारा आ गया, ठीक है, और मंद नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ IVC, ठीक है, चलो रिवीजन हो गया। अदर प्रोमिनेंट साइट कौन कौन सी हैं, मेहरगढ़, देसलपुर गुजरात में, पबूमत गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, सिकरपुर गुजरात में, शनौली यूपी में, कुनाल हरियाणा में, करनपुरा राजस्थान में, गनेरीवाल पंजाब में, एटसेट्रा, ठीक है। तो इनको आप देख लो, तो ये हमने कर दिए साइट्स इनके फाइंडिंग, इसको 3-4 बार देख लेना, ठीक है, रिवाइज कैसे करने मैं बताता हूँ आपको, देखो अगर आपको नहीं पता तो अभी देख लिया, ठीक है, आपको लग रहा है इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं तो एक बार एक दिन छोड़ के देख लिया, ठीक है, फिर हफ्ते में देख लिया और फिर महीने में देख लिया, ऐसे करना है इसको, ठीक है, उसके बाद साइकिल फिर रिपीट करनी है जब तक आपको एग्ज़ाम नहीं होते, ठीक है। चलते नेक्स्ट, आर्किटेक्चर इन हरप्पन सिविलाइजेशन, तो आर्किटेक्चर इन हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या है, द रिमेन्स ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो रिवील्स अ रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग, ये हम देख चुके हैं क्यों, कैसे रोड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, द टाउन वर लेड आउट इन रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न, द रोड रैन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है, मेनली थ्री टाइप ऑफ बिल्डिंग हैव बिन फाउंड इन एक्सकवेशन साइट,
ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग मतलब होता है जहाँ पर रहते हैं, रहने के लिए घर, पब्लिक बिल्डिंग्स और पब्लिक बाथ। ठीक है, पब्लिक बाथ को ऐसे कर लो जैसे गंगा रिवर है, ठीक है, हर की पौड़ी, वो भी सामूहिक नहाने की जगह है और वहाँ पर रिचुअल्स भी होते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हैं। द हरप्पन यूज्ड बर्नट मड ब्रिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज डायमेंशंस फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैनी लेयर ऑफ वेल बेक्ड ब्रिक्स वर लेड आउट एंड देन जॉइंट टुगेदर यूजिंग जिप्सम मोटार। इसका मतलब ये है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दीवार बना रहे हैं ये, तो बर्न ब्रिक्स को प्रॉपरली अरेंज करते हैं। और जिप्सम मोटार क्या होती है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है, उससे चिपकाते हैं वो ब्रिक्स की, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, जैसे आजकल तो सीमेंट करते हैं हम। और इवन जो दालें होती हैं, दालों को भिगो के भी वो सीमेंट का काम करती हैं। पहले जब सीमेंट तो अभी आया ना, तो ये चिपकाने कुछ अलग अलग तरीके थे। ठीक है, चलते आगे। द सिटी वॉज डिवाइड इंटू टू पार्ट्स, अप्रेस्ड सिटाडल, जैसे मैंने बताया आपको, लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, अप्रेस्ड सिटाडल होता है वेस्ट पार्ट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इसकी वेस्ट पार्ट होती है। और वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ लार्ज डायमेंशन सच एज ग्रेनरी, ग्रेनरी को बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, पिलर्ड हॉल, कोर्ट यार्ड। ठीक है, सम ऑफ द बिल्डिंग्स इन द सिटाडेल माइट हैव बीन रेजिडेंस ऑफ द रूलर, ठीक है, एंड एरिस्टोक्रेट, ऊपर वेल्दी लोग रहते थे, और यहीं पे ग्रेनरी, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी यहीं होती थी, मतलब वर्क प्लेस और कोर्टयार्ड भी यहीं होता था। ठीक है, हाउएवर इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट डू नॉट हैव लार्ज मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर। इंडस वैली में लार्ज मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर, मंदिर इत्यादि नहीं थे, जो कि इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में देखे जाते हैं। इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर और टेंपल पाए जाते थे बड़े बड़े, वो इंडस वैली में नहीं हमें दिखे हैं। द ग्रेनरीज वर इंटेलिजेंटली डिज़ाइन विद स्ट्रेटजिक एयर डक्ट एंड रेस्ड प्लेटफॉर्म, क्यों? कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये अपना है सिटाडेल, तो दिस मस्ट बी इन द वेस्ट, राइट। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द हरप्पन साइट इज द प्रिवेलेंस ऑफ पब्लिक बाथ, गंगा रिवर से याद रखो, हर की पौड़ी, ठीक है, विच इंडिकेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक क्लिंजिंग इन देयर कल्चर। दीज बाथ ऑल्सो हैड एन एरे ऑफ गैलरीज एंड रूम सराउंडिंग इट। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक बाथ इज द ग्रेट बाथ। ग्रेट से याद रखो क्या था? मेजर मोहन, राइट। तो ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी इन द एक्सकेवेटेड रिमेन्स ऑफ मोहनजोदड़ो, बस आपको याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, कौन सी थी? ये था ना अपना जो लोअर पार्ट है उस पे आ रहे हैं हम, ठीक है। इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी स्मॉल वन रूम्ड हाउस हैव बीन फाउंड विच माइट हैव बीन यूज एट क्वार्टर्स ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल। जो लोग रह रहे हैं, छोटा सा कमरा, वहाँ पर रहने के लिए जगह हो सकती है, जो लोग काम करते थे, मजदूर टाइप, ठीक है। सम ऑफ द हाउस हैव स्टेयर्स, कुछों में सीढ़ियाँ थी, जिससे पता लगता है कि वो डबल स्टोरी भी हो सकती हैं। मोस्टली बिल्डिंग है प्राइवेट वेल्स, प्राइवेट वेल्स होते थे, मतलब प्रॉपर्टी अपने अपने, सामूहिक नहीं थी, ठीक है, सबकी अपनी अपनी थी, ऐसे इसमें बताया है। प्रॉपरली वेंटिलेटेड बाथरूम भी पाए गए हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज़ द एडवांस ड्रेनेज, ये हमने देख लिया है पीछे, ठीक है, ये रिपीट हो रही है, वो तो है ही भैया, इतनी कमाल की चीज़ है। स्मॉल ड्रेन्स रैन फ्रॉम ईच हाउस एंड वेन कनेक्टेड टू लार्ज वन, छोटी नालियाँ बड़ी से मिल जाती हैं, तो ये तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर है। और रनिंग अलॉन्ग साइड द मेन रोड, द ड्रेन वर कवर्ड क्लोजली, ठीक है, बीमारियों से बचने के लिए, अलाउ रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस होती थी। सेस पिट्स क्या होते हैं? ठीक है, सेस पिट देख लो पहले, ठीक है, आगे चलते हैं बाद में। ये ग्राउंड है, अंदर गड्ढा करके रखते हैं,
ठीक है, जैसे आजकल हमारी वो होती ना टॉयलेट का जो टॉयलेटरीज वेस्टेज होता है ना वो इसमें स्टोर होती हैं, फिर बाद में उसे पंप आउट कर देते हैं। बट आजकल तो सीवर सिस्टम हो रहा है, जिनके यहाँ सीवर कनेक्ट नहीं है म्यूनसिपैलिटी की, वो आज भी ये सिस्टम यूज़ करते हैं। अपने घर के नीचे गड्ढा कर लेंगे बड़ा, और उसमें उसमें टॉयलेट वेस्ट चला जाएगा, ठीक है, उसमें इकट्ठा होता रहता है। तो ये सेसपिट वही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कवर्ड होल, यहाँ पे लिखा देखो नीचे ब्लैक में, कवर्ड होल और कंटेनर इन द ग्राउंड फॉर कलेक्टिंग वेस्ट फ्रॉम अ बिल्डिंग स्पेशली फ्रॉम द टॉयलेट्स। ठीक है, तो सेसपिट्स ये होते हैं, वर प्लेस्ड एट रेगुलर इंटरवल, द इम्पॉर्टेंस प्लेस्ड ऑन हाइजीन बोथ पर्सनल एंड पब्लिक इज क्वाइट इम्प्रेसिव। ये हम पहले भी देख चुके हैं। प्रेजेंस ऑफ वेल्स हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्जर्व एट मैनी साइट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट चलते हैं। मैनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट मेसोपोटामियन पीपल ऑफ द टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन एज मेलुहा। मेसोपोटामिया के जो लोग हैं टिग्रस यूफ्रेट्स वैली के, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कहते थे मेलुहा। क्यों बोलते थे और हम क्यों यकीन करें? इसलिए करें क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स जो हैं, पशुपति सील्स और वेरियस सील्स, वो यहाँ पे मिली हैं मेसोपोटामिया में। ठीक है, आगे चलते हैं, ख़त्म हो गया भैया। अब चलते हैं स्कल्पचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ये डिवाइडेड है 5 पार्ट में। ठीक है, ओवरव्यू से फ़ायदा होता है, माइंड में क्लियर हो जाता है कि अच्छा चलो 5 ही हैं। ठीक है, तो ये है सील्स, फिर है ब्रॉन्ज फिगर्स, टेराकोटा पॉटरीज, ठीक है, और ऑर्नामेंट्स। अब एक एक करके देख लेते हैं। स्कल्पचर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वर एक्सट्रीमली अडेप्ट, अडेप्ट मतलब होता है एप्ट, वेरी स्किलफुल। ठीक है, इसका मतलब ये है एट हैंडलिंग 3 डायमेंशनल वॉल्यूम, द मोस्ट कॉमनली फाउंड वर सील, ब्रॉन्ज फिगर और पॉटरीज। चलते हैं नेक्स्ट, सील आ गए। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड न्यूमरस सील्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज ऑल अक्रॉस द एक्सकेवेशन साइट, वाइल मोस्ट ऑफ द सील्स आर स्क्वायर, ज़्यादातर स्क्वायर में थी, इट वॉज फाउंड दैट रेक्टेंगुलर और ट्रैंगुलर एंड सर्कुलर सील वर ऑल्सो यूज। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है कि भैया ज़्यादातर सील्स ना रेक्टेंगुलर और ट्रैंगुलर और सर्कुलर में थी, स्क्वायर में नहीं थी, तो ये चेंज कर दिया स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। तो ये यही होते हैं बस जो निकालने होते हैं, मोस्ट ऑफ द सील्स आर स्क्वायर, बाकी थी ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर और सर्कल। ठीक है, स्टीयरटाइट अ सॉफ्ट स्टोन, स्टीयरटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है, जो नदी किनारे मिलता है, कॉमनली यूज्ड एज टू मेक सील्स, येट अगेट, अगेट होता है ये जो सुंदर सा देख रहे हो आप, ये इसे कहते हैं अगेट, प्रीशियस स्टोन में आते हैं ये। शर्ट, शर्ट ये रहा आपका सेकंड नंबर पे, ये शर्ट है, ठीक है, ये भी स्टोन है। कॉपर, फियंस ये रहा फियंस, ये भी स्टोन है, टाइप ऑफ स्टोन्स। ठीक है, टेराकोटा सील हैव ऑल्सो फाउंड, सम इंस्टेंस ऑफ गोल्ड एंड एवरी सील्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सील हैव इंस्क्रिप्शन इन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, मत दैट इज पिक्चर के थ्रू, ठीक है, कुछ लिखा नहीं है, फोटो बना दिए, विच इज़ येट टू बी डिसाइवर, अभी हमें डिकोड करना बाकी है। द स्क्रिप्ट वॉज रिटन मोस्टली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, बट बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल, मतलब पहले राइट टू लेफ्ट लिखी है फिर लेफ्ट टू राइट लिखी है ये, राइट ऑन द अदर लाइन हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड। एनिमल इंप्रेशन वर ऑल्सो देयर, जनरली 5 बोला है, विच वर कार्व्ड इंटैग्लियो ऑन द सर्फेस, द कॉमन एनिमल मोटिव्स वर यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, बाइसन, गोट,
मार्कोर आईबेक्स क्रोकोडाइल एटसेट्रा हाउ नो एविडेंस ऑफ काओ हैव बीन फाउंड ऑन एनी सील। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी बने हुए हैं कि हमें गाय मिली है, ठीक है, तो ये हम हरप्पन कर रहे हैं रिमेंबर। ठीक है, तो गाय मिली है हरप्पा में, तो नहीं मिली है अभी तक, कोई एविडेंस नहीं मिले। जनरली द सील हैड अ एनिमल एंड अ ह्यूमन फिगर ऑन वन साइड एंड द इंस्क्रिप्शन ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, और इंस्क्रिप्शन ऑन बोथ द साइड्स, सम सील हैड इंस्क्रिप्शन ऑन थर्ड साइड एज वेल। तो ये हैं, तो ये कुछ एनिमल थे जो यूनिक थे, जैसे मार्को आइबेक्स और बाइसन, बाइसन मेरे ख्याल से पता ही होगा। तो ये हैं वो मार्कोर, ठीक है, एक गोट होती है, आइबेक्स भी एक गोट होती है, और बाइसन अपना ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं, सील वर प्राइमरली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस एंड हेल्प्ड इन कम्युनिकेशन। डिस्कवरी ऑफ वेरियस सील इन मेसोपोटामिया एंड वेरियस साइट सच एज लोथल इंडिकेट्स दैट सील वर एक्सटेंसिवली यूज फॉर ट्रेड। लोथल क्योंकि वो डॉकयार्ड था ना, अब शिप जहाँ से आएंगी जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ पे तो ट्रेड वहीं से हो रहा है, तो फिर ज़्यादातर सील तो वहीं मिलेंगी ना। सम सील विद होल्स ऑन देम हैव बीन फाउंड ऑन डेड बॉडीज इंडिकेटिंग इट यूज एज एमुलेट। एमुलेट मतलब होता है गले पे जो बांधते हैं नेकलेस टाइप, ठीक है, ये रहा एमुलेट। कैरिड ऑन द पर्सन ऑन देयर ओन, प्रॉबेबली सीन एज सम लॉकेट टाइप का होता है ना, फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब ये कह रहा है वो लॉकेट इसलिए पहनते ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि वो किसी ग्रुप के थे, किसी कल्ट के थे, या फिर वो कोई स्पेशल लोग थे, तो मतलब उनको चिन्हित कर रखा है और कुछ नहीं है। मैथमेटिकली इमेज हैव ऑल्सो बीन फाउंड ऑन द सम सील विच माइट हैव बीन यूज फॉर एजुकेशनल पर्पज एज वेल। सील विद सिमिलर सिंबल सिमिलर टू स्वास्तिक डिज़ाइन हैव ऑल्सो बीन फाउंड। ये अपना स्वास्तिक, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये है अपनी पशुपति सील एंड अ यूनिकॉर्न, ठीक है, ये देख लो, इतना कुछ ध्यान से देखेगा नहीं, तो यूनिकॉर्न सील तो पता ही है। चलो ये बुक के ही है, मैंने आपको इधर ही मेंशन कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, पशुपति सील। अब देखो बुक में भी यही घटिया पिक्चर लगी थी, इसमें दिख तो रहा नहीं कुछ, आपके लिए बढ़िया पिक्चर लेके आया हूँ। पशुपति सील, आ टीयरटाइट सील डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो डिपिक्ट अ ह्यूमन फिगर, अ डेटी सीटेड क्रॉस लेग, ठीक है, ये बैठी हुई हैं अपनी गॉडेस। द फिगर रेफर टू एस पशुपति वेयर अ थर्ड हॉर्न हेड गियर, ये आप जो देख रहे हो, ठीक है, मतलब ये पिक्चर का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये सब, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, तो आप चलो देख लो एक बार। सराउंडेड बाय जानवरों से घिरी हुई हैं ये, एलिफेंट है, टाइगर है, ठीक है, और किस साइड में है, लेफ्ट साइड में वाइल्ड रनसन बुल अ सील ऑन द राइट साइड, लेफ्ट में हाथी और टाइगर हैं, राइट में राइनासोरस और अपना, ये देखो ये हाथी और टाइगर ये रहे, राइनासोरस और बुफेलो ये रहे, और टू एंटीलोप्स है, हिरण जिसे कहते हैं वो यहाँ पे नीचे हैं, ठीक है, तो ये डिस्क्राइब कर रखा है। आगे चलते हैं, तो अब देखते हैं ब्रॉन्ज फिगर। ब्रॉन्ज फिगर में क्या है, द हरप्पन सिविलाइजेशन सॉ अ वाइड स्केल प्रैक्टिस ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग, द ब्रॉन्ज स्टैचू वर मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक, और इसे कहते हैं सिरे पद्धति। इन दिस टेक्निक क्या होता है, देखो आपको ना ये जो इसमें लिखा है ना कहानी, इसको बताता हूँ शॉर्ट में। पहले मोम से बनाते हैं जो भी बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मोम से बना दिया ये एक स्ट्रक्चर, ठीक है, अब इस पर मैं इसकी कोटिंग करूँगा क्ले से, क्ले को चिपका दूँगा, तो क्ले क्या करेगा, जो वैक्स की सारी डिटेल्स मैंने जो बनाए रखी ना, उसको क्ले सॉफ्ट होता है तो क्ले कैप्चर कर लेगा, वहाँ पे एक डिप्रेशन बन जाएगा, ठीक है, अब डिप्रेशन बन जाएगा तो जब क्ले सूख जाएगा ना, उसके बाद क्या करेंगे हम, गर्म करके ना, क्ले को गर्म करके इसके अंदर से वैक्स निकाल देंगे, यहाँ पर छेद कर देंगे क्ले के एंड में, तो सारा वैक्स निकल जाएगा, फिर इसमें डाल देंगे मेटल, पिघला हुआ मेटल, ठीक है, तलवार का देखा होगा आपने, लावा डालते ना, तो मेटल डाल देंगे पिघली हुई, फिर वो कुछ टाइम बाद वो सॉलिडिफाई हो जाएगी,
तो जितने भी क्ले के अंदर डिप्रेशन है वहाँ पे मेटल चला जाएगा, आकृति बन जाएगी, फिर क्ले को हटा देंगे और तैयार है आपका जो भी आपने बनाया है। ठीक है, तो इस कहानी को देख लेते हैं एक बार। इन दिस टेक्निक वैक्स फिगर आर फर्स्ट कोटेड विद वेट क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। द क्ले कोटेड फिगर आर देन हीटेड अलोंग द वैक्स इनसाइड टू मेल्ट। द वैक्स इज देन पोर्ड आउट थ्रू अ टाइनी होल। लिक्विड मेटल इज पोर्ड इनसाइड द हॉलो मोल्ड। आफ्टर द मेटल हैज़ कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई द क्ले कोट इज रिमूव। द मेटल फिगर ऑफ द सेम शेप एज द वैक्स फिगर इज ऑब्टेन। इवन नाउ द सेम टेक्निक इज प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है, ब्रॉन्ज बुल ऑफ कालीबंगन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं और देखते हैं अभी आगे नेक्स्ट। ये रही अपनी स्पेक्टेकुलर लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई ब्रॉन्ज फिगर, डांसिंग गर्ल। इन द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर फाउंड इन मोहनजोदारो, दिस 4-inch फिगर डिपिक्ट अ नेकेड गर्ल वेयरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स। क्योंकि कपड़े वपड़े बनाने में बड़ी कलाकारी लगती है, तो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही सुंदर बना रखा है। विच इंक्लूड्स बैंगल्स इन द लेफ्ट आर्म, एमुलेट एंड ब्रेसलेट्स ऑन द राइट। ठीक है, शी स्टैंड्स इन अ त्रिभंग। त्रिभंग एक डांसिंग पोस्चर होता है जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा हुआ है। ये क्या होता है, बैंड, जो बैंड पोस्चर होता है ना उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वो है, एक डायरेक्शन में झुकी हुई होती है। डांसिंग पोस्चर विद राइट हैंड ऑन हर हिप्स, तो ये डिस्क्रिप्शन है। बाकी एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये याद रखना है कि डांसिंग गर्ल कहाँ की थी, हरप्पा की, ब्रॉन्ज फिगर में। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। टेराकोटा। टेराकोटा रेफर्स टू द यूज़ ऑफ फायर बेक्ड क्ले फॉर मेकिंग स्कल्पचर। कंपेयर टू द ब्रॉन्ज फिगर द टेराकोटा स्कल्पचर फाउंड आर लेस इन नंबर, ये कम मिले हैं, क्रूड शेप, मतलब इनकी हालत अच्छी नहीं है, डिटेल्स आर वेरी फेंटेड। ठीक है, शेप्स एंड फॉर्म, दे वर यूज ओनली पिंचिंग मैथड। ठीक है, पिंचिंग मैथड क्या होता है, मतलब एक क्ले ले लेंगे, फिर उसको अंगूठे से दबाएंगे, प्रेस करेंगे, फिर उसको जो शेप देना वो दे देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वही है पिंचिंग, वो मैंने बता दिया, पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोस्टली इन द साइट ऑफ द गुजरात एंड कालीबंगन, मदर गॉडेस मास्क ऑफ हॉर्न डेटी, वो देखा था ना हमने, तीन मुकुट पहन रखा था सींगों वाला, वही है, और टॉय एट सकता है। चलते मदर गॉडेस के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ये क्रूड है। ठीक है, तो इतनी डिटेलिंग है भी नहीं, और इसको एक बार पढ़ लेते हैं। फिगर हैव बीन फाउंड इन मैनी इंडस साइट विच हाईलाइट्स इज इम्पॉर्टेंस। इट इज़ क्रूड फिगर, ठीक है, विदाउट मच डिटेल, नीचे लिखा हुआ है मैंने, ऑफ स्टैंडिंग फीमेल अडॉर्न विद नेकलेस हैंगिंग अराउंड प्रोमिनेंट ब्रेस्ट। She wears a lion cloth on a girdle. She also wears a fan-shaped headgear. The facial features are also shown very crudely. साफ नहीं है। And lacks fine से मतलब होता है skill. अब यहाँ पे है lacks fine से मतलब without skill और without any particular design और जो भी है, ठीक है, निपुणता। She was probably worshipped for prosperity or goddess हो सकती है fertility cults की। ठीक है, next चलते हैं। बियर्डेड प्रीस्ट फाउंड इन मोहनजोदारो, दाढ़ी वाले बाबा अपने आ गए, एंड मेड ऑफ स्टेटाइट, जो स्टोन था, सॉफ्ट स्टोन था, कहाँ मिलता था, नदी किनारे, पीछे देख रखा हमने। इट्स अ फिगर ऑफ अ बियर्डेड मैन, शॉल ओढ़ी हुई है, महाशन है, ड्रेप्ड इन अ शॉल विद ट्रिफॉइल पैटर्न, ट्रिफॉइल पैटर्न बने हुए हैं, तो ट्रिफॉइल पैटर्न बने हुए हैं, ये तीन बने हुए ना फूल पंखड़ियाँ, ये हुई हैं। द आइज आर इलोंगेटेड एंड हाफ क्लोज, अब हाफ क्लोज है मतलब मेडिटेट कर रहा है ये। ठीक है, ये शॉल उड़ी हुई है सुंदर सी ट्रिफॉइल की, और अपनी दाढ़ी वाले बाबा, इनकी दाढ़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रेड स्टोन फीचर ऑफ अ मेल टॉर्सो, ये भी मिली है, फाउंड इन हरप्पा एंड मेड ऑफ रेड सैंड स्टोन। अब ये पूछ सकते हैं कि किससे बनी है, तो रेड सैंड स्टोन से बनी है। द टॉर्सो हैज़ बीन फ्रंटल पोस्चर विद वेल बेक्ड शोल्डर्स एंड प्रोमिनेंट एब्डोमन। ठीक है, देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है, पेट भार है इसका, ज़्यादातर भारतीयों का पेट भारी रहता है। ठीक है, देवर सॉकेट होल, सॉकेट होल बने हुए हैं, जैसे जिनको असेंबल नहीं करते हैं आजकल हम, आजकल ई कॉमर्स बहुत चल रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजोन, सामान मंगाते हैं फिर असेंबल करते हैं, तो ये इन्होंने पहले ही बना लिया था। देखो सॉकेट होल इन द नेक शोल्डर प्रॉब्ली फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेड एंड आर्म, ये ऊपर भी है सर पर भी है, ये पता नहीं क्यों दे रखा है बुक में ऐसे, ये तो बड़ी देना चाहिए। चलो ये मैंने कर दिया आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
पॉटरी पे आते हैं। पॉटरी फाउंड एट द एक्सकवेशन साइट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, प्लेन है और पेंटेड है। ठीक है, पेंटेड पॉटरी ऑल्सो नोन एज रेड एंड ब्लैक पॉटरी। रेड एंड ब्लैक कैसे, ये घड़ा जो है ना, ये देखो अब ये ब्लैक कलर के पीछे देखो, ये घड़ा बनाया लाल बैकग्राउंड है, ठीक है, और ब्लैक से क्या कर रखा है, डिज़ाइन कर रखा है, तो ये वो ही है। रेड कलर पेंटेड इन द बैकग्राउंड और जो ब्लैक कलर है उसे ड्रॉ डिज़ाइन ऑफ फिगर जो बनाया है, ठीक है, तो ये परफेक्ट पिक्चर है। बुक में नहीं थी, बुक में पता नहीं क्या दे रखा था, आगे देखेंगे। ठीक है, ट्री बर्ड्स एनिमल फिगर ज्योमेट्रिकल पैटर्न वर ऑल्सो रिकरिंग थीम ऑफ द पेंटिंग। नेक्स्ट चलते हैं, ये है, ठीक है, ये है, अब ब्लैक एंड वाइट कर दिया, बट ये एक्चुअल में ब्लैक नहीं है, ठीक है, तो ये ब्लैक एंड वाइट है। चलते नेक्स्ट पीछे। मोस्ट ऑफ द पॉटरी हैव बीन फाउंड आर वेरी फाइन व्हील मेड वेयर विद अ वेरी फ्यू बीइंग हैंडमेड। सम एग्जांपल ऑफ पॉलीक्रोम पॉटरी हैव आल्सो बीन फाउंड दो वेरी रेयर। द पॉटरी वर यूज फॉर थ्री पर्पजेस, हाउस होल्ड पर्पज, डेकोरेटिव पर्पज और परफोरेटेड पर्पज। ये तीन पर्पज से पॉटरी यूज होती थी, ठीक है। हाउस होल्ड पर्पज क्या, स्टोरेज के लिए, अनाज को रखने के लिए। डेकोरेटिव, अब डेकोरेटिव है तो छोटी होंगी, ठीक है, साइज़। और परफोरेटेड होती थी, इनको माना जाता है परफोरेटो, जैसे परफोरेटेड स्पून होती ना, छन्नी जैसे कहते हैं, ठीक है, और तो परफोरेट मतलब उसमें छेद है, ठीक है, ये है आपकी कलची और इसमें छेद, तो इसमें छेद होते हैं ना, उसी कहते हैं परफोरेटेड। पर इसमें इन्होंने क्या बना दिया है, पॉटरी बना दी है, तो ये नीचे बड़ा छेद होगा, फिर यहाँ पे छोटे छोटे छेद होंगे, ठीक है। तो सम ऑफ द पॉटरी वर परफोरेटेड विद अ लार्ज होल इन द बॉटम एंड स्मॉल होल अक्रॉस द साइड। जैसे ये अपनी पॉटरी है तो नीचे एक बड़ा छेद होगा और छोटे छोटे छेद होंगे साइड में। दे माइट हैव बीन यूज फॉर ट्रेनिंग लिकर, दारू को छानने के काम। ये इनकी थ्योरी है, अजम्पशन नहीं है, ठीक है, सच नहीं है। तो माइट शब्द को देखो आप, मुझे तो लग रहा है ये होगा दीपक जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए रात को, ठीक है, तो ऐसा कर देते होंगे उल्टा ऐसे, तो जो बड़ा वाला छेद नीचे है वो रखते थे ऊपर ताकि हवा भी आए, रोशनी भी आए और परफोरेट इधर, तो कैसे भी याद कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये रहा अपना, ये जो है ये रेड बैकग्राउंड है और ब्लैक से डिज़ाइन बनाई है, ये अपना परफोरेटेड पॉटरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑर्नामेंट, ये लास्ट है हरप्पन का और स्कल्पचर का। द हरप्पन यूज्ड अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स एंड जेमस्टोन टू बोन, ठीक है, मेटल से लेके जेम स्टोन से लेके और इवन हड्डियाँ भी यूज़ करते थे और क्ले भी यूज़ करते थे पकी हुई, टू मेक ऑर्नामेंट्स बोथ। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, क्या मैन ऑर्नामेंट्स पहनते थे या नहीं पहनते थे, दोनों पहनते थे, ठीक है, एक कोई भेदभाव नहीं था, ठीक है, दोनों स्टाइल में थे, लाइक, ठीक है, फिलेट्स, आमलेट्स हाथों पे, फिंगर रिंग, ग्रिडल्स, ग्रिडल्स होते हैं अंडरगारमेंट्स को कहते हैं ग्रिडल्स, और स्पेसिफिकली जो नीचे पहनते हैं, ठीक है, इयररिंग्स, एंकलेट्स वर आल्सो वोर बाय ओनली वुमेन, तो ये है, ठीक है। बियर्ड्स मेड फ्रॉम कार्नेलियन स्टोन, कार्नेलियन स्टोन है सारे, ठीक है, कार्नेलियन ये रहा, और एम्थीस्ट ये रहा, क्वार्ट्ज स्टेटाइट हमने देख चुका है, ठीक है, वर क्वाइट पॉपुलर एंड वर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एज इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड इन चौहानदारो एंड लोथल। फॉर फैब्रिक द हरप्पन यूज कॉटन एंड वूल, ये भी यूज़ करते थे, नेचुरल फाइबर जिसे कहते हैं, विच वर स्पन बाय रिच एंड पुअर अलाइक, दोनों के द्वारा। द पीपल ऑफ द टाइम वर कॉन्शियस ऑफ फैशन एज वेल, ये हैं ट्रेंडिंग लोग, ठीक है, एज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्टाइल ऑफ हेयर एंड बीड्स। अब ये भी, ये दोनों बनाते थे, बियर्डेड हेयर स्टाइल होती ना लड़कियों की, तो ये दोनों कमाल के लोग थे, तो
ये भी चोटियाँ रखते थे हमारे पुरुष लोग जो आजकल चल रहा है। और ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।